नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम का वो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसकी रिक्वायरमेंट बच्चों ने बहुत की थी, साथ ही साथ हर वक्त हर समय हर शिफ्ट में रेलवे के हर एक एग्जाम में इस चैप्टर के इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। और जैसा कि अभी तक जिन बच्चों ने पेपर दिए हैं उन्होंने भी ये बताया कि सर जी ये एक बार पढ़ा दीजिए प्लीज। तो भैया, आप लोगों की एक बेहतरीन डिमांड पर एक बेहतरीन टॉपिक जिसको शेषफल प्रमेय कहते हैं वो आपके सामने लाते हैं। एक बार पूरा पढ़िएगा, सवाल जो लिखा है आप 5 सेकंड में करोगे तो करोगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत चीजें जो है ना उनको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, हमें यह ध्यान रखना होता है कि जब हम डिवाइड करें भाग करें तो अपना भाग जो है छोटे से छोटे में काम निपटे। तो इसके लिए शेषफल प्रमेय में हमें दो चीजें ध्यान रखनी होती है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। बोले सर ये क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो हमें भी पता है, पॉजिटिव मतलब प्लस, नेगेटिव मतलब माइनस। आगे बेटा अभी मैंने चीज बताई नहीं थी, एक पॉजिटिव शेषफल और एक नेगेटिव शेषफल। अब सर हमने तो आज तक पॉजिटिव शेषफल सुना था, नेगेटिव तो हमने सुना नहीं था। तो इसी कॉन्सेप्ट से सवाल ज्यादा सरल भी हो जाते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या होता है पॉजिटिव शेषफल और क्या होता है नेगेटिव शेषफल। अगर मैं आपसे बोलूं, भैया ध्यान से समझना, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मैं 33 को 8 से विभाजित करना चाहूं तो मेरे पास शेषफल क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे बताइए फटाक से, आप क्या बोलोगे? बोले सर 8 से अगर हम 33 को डिवाइड करेंगे तो 8 चौको 32, तो अपने पास जो शेषफल होगा ना सर वो 1 आ जाएगा। तो मैंने कहा वेरी गुड, यहाँ पर शेषफल कितना आया 1, वो भी काहे का पॉजिटिव, भाई 33 में से 32 ने घटाया है तो 32 घटाने पर शेषफल जो बचेगा प्लस है, 1 बचेगा। बोले हाँ। अच्छा अब आया आपसे बोलूं ये नेगेटिव कैसे आएगा, इसका यूज कैसे करेंगे, ये भी समझना। मैं फिर से बोलता हूं कि मैंने 33 को 8 से विभाजित करना है, लेकिन अब की बार आपको शेषफल अगर नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक चाहिए तो कैसा करोगे, ध्यान से सुनिएगा। मैं 8 से 33 को डिवाइड करता हूं और मैं 5 बार पूरा पूरा डिवाइड कर देता हूं। जैसे यहां पर 4 बार किया था 32 आया था, यहां पर 5 बार करते हैं 8 पंजे 40 हो जाएगा, आपके पास नेगेटिव में 7 बचेगा। नेगेटिव में कितना बचा, बोले 7। तो क्या सर यहां पर 7 शेषफल आएगा? सर यहां पर तो हमें एक शेषफल दिख रहा है, यहां पर माइनस का 7 फल शेषफल दिख रहा है, शेषफल माइनस में नहीं आता है, बात बिल्कुल सत्य है। तो सर ये आपका कैसे आ गया, ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल सरल करने के लिए आता है, कैसे भी बताते हैं। जब कभी आपको शेषफल नकारात्मक दिखाई दे यानी कि ऋणात्मक दिखाई दे, नेगेटिव दिखाई दे, तो क्या करोगे, जिससे आपने भाग दिया था जो भाजक है आपका 8, उसी में इसको घटा दीजिए तो आपका शेषफल आपकी आंखों के सामने नजर आ जाएगा। बहुत साधारण सी बात थी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात अगर मैं कहूं कि आपको बोले हुए 39 × 39 × 39 लिखा है और इसको आपको 8 से भाग देना है, तो बताइए शेषफल क्या आएगा, तो आप क्या करोगे? भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि 39 को 8 से भाग दें तो 8 चौको 32 मिलेगा ना, शेषफल कितना आएगा? बोले प्लस का 7 आएगा सर, यहां पर भी प्लस का 7 आएगा, यहां पर भी प्लस का 7 आएगा। अब ये 7 × 7 × 7 करना, 343 लाना, फिर 8 से भाग देना, ये थोड़ा सा समय ऐसा काम हो जाएगा जिसमें समय ज्यादा लगेगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर में जब समय ज्यादा लगता है तो उस समय को घटाने के लिए और सवाल सही करने के लिए किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, सर नेगेटिव रिमाइंडर का। मैं क्या बोलता हूं कि अब मैं अगर 5 बार डिवाइड कर दूं जबरदस्ती तो यहां पर नेगेटिव शेषफल 1 आएगा, बोले आएगा सर, यहां पर भी 1 आएगा, बोले आएगा सर, यहां पर भी 1 आएगा, बोले आएगा सर, बिल्कुल सही बात है। तो आप मुझे बताना मेरे दोस्त कि 1 − 1 × −1 × −1 ये करने पर आपके पास माइनस ही 1 तो आएगा, बोले हां सर आएगा। तो क्या सर माइनस 1 शेषफल हो गया ना, शेष कभी भी माइनस में नहीं होगा, ये माइनस शेष नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, जिससे भाग दिया है उसी से घटा दीजिए, यानी कि शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा दोस्त 7। बोलो ठीक है, क्या क्या ये पॉजिटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर यानी कि धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल का कॉन्सेप्ट आप समझ पाए कि ऋणात्मक शेषफल का उपयोग हम लोग सवाल को सरल और जल्दी करने के लिए करते हैं, ठीक। अच्छा ये बात जैसे ही आप समझ गए तो इसमें एक अगला पार्ट आता है, क्या जैसे सवाल यहां से शुरू हो रहा है, मैं आपको एक और पार्ट बताना चाहूंगा, वो पार्ट होता है जिससे सवाल बहुत ज्यादा तेजी से और सरलता के साथ शुरू होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टोसेंट मेथड। क्या कहते हैं? टोसेंट मेथड। अब बात बहुत ध्यान से सुनना, आपकी किताब में जितने भी सवाल होंगे, आपके सिलेबस में भी शेषफल प्रमेय के जितने भी सवाल होंगे,
सारे के सारे सवाल आप इससे नॉर्मल ढंग से बिल्कुल आराम से कर पाओगे। ठीक है, इसका एक वीडियो मैं आपके लिए आगे और ले आऊंगा अगर आप कहोगे, ठीक है। लेकिन पहले यहां को देखो, समझो, लगभग लगभग सारे सवाल यहां से आप कर लोगे। टोशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं जो आपने आज तक जाना नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं ना बेटा कि टोशेंट होता क्या है, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। बोले दे पाएंगे क्या, जवाब नहीं दे पाएंगे। टोशेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा भाई बताइए 17 का टोशेंट क्या है, तो इसका मतलब क्या है, टोशेंट है क्या, सबसे पहले तो ये समझो टोशेंट क्या होता है, इसको समझो। बेसिक चीज नहीं क्लियर होगा ना तो आगे अगर आप पढ़ भी लोगे तो चीजें जो है बात बनेंगी नहीं। टोशेंट क्या होता है इसको समझो। जैसे मैं पूछूं कि 17 का टोशेंट क्या है, तो आप ये कहेंगे टोशेंट सर वो संख्या होती है 17 से पहले की हर वो संख्या, ध्यान से सुनिएगा, 17 से पहले की प्रत्येक वो संख्या जो 17 के साथ सह अभाज्य हो, को प्राइम हो, टोशेंट कहलाती है। मतलब समझे नहीं समझे ना, देखो समझो, 17 से पहले की जितनी भी संख्या है, 17 तक की जितनी भी संख्या जो 17 के साथ को प्राइम हो, सह अभाज्य हो, क्या कहलाएगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1 और 17, मैं 17 क्यों, छोटी संख्या लेके बताता हूं ना आपको, ताकि आपको यह बात समझ में तो आ जाए। जैसे मैंने कहा मैं एक संख्या ले लेता हूं 7, अब 1 और 7 अगर मैं लेता हूं तो क्या ये सह अभाज्य है, बिल्कुल है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम, जिनका एचसीएफ यानी कि जिनका मासापा क्या हो, 1 हो, सह अभाज्य उनको कहते हैं। तो 1 और 7 सह अभाज्य है, 2 और 7 भी सह अभाज्य है, बिल्कुल है सर, 3 और 7 भी सह अभाज्य है, हाँ सर है, 4 और 7 भी सह अभाज्य है, बिल्कुल है, 5 और 7 भी सह अभाज्य है, और 6 और 7 भी सह अभाज्य है, 7 और 7 सह अभाज्य नहीं होंगे। तो आप क्या देखे, आप देखे कि 7 में कितने टोशेंट आ रहे हैं, मतलब 7 का जो टोशेंट की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6, कितनी बनी, 6। तो अब आप ये कहोगे सर क्या अगर किसी संख्या का टोशेंट निकालना है इसका फायदा क्या होगा, आपको समझाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, पहले ये बात समझ लीजिए, सवाल के जब आएंगे ना तो आप इनका यूज करना सीख जाओगे, थोड़ा सा संभलना, ठीक। किसी भी संख्या का टोशेंट निकालने के लिए ऐसे लिखना पड़ता क्या, नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। कैसे निकालते हैं टोशेंट, इस बात को समझे। मैंने अभी आपको क्या समझाया टोशेंट क्या होता है भाई, किसी भी संख्या के पहले तक जितनी भी संख्याएं होंगी क्या वो संख्या दी हुई संख्या के साथ सह अभाज्य हैं, यदि हैं तो वो उसका टोशेंट कहलाता है। समझ पाए टोशेंट क्या होता है, बिल्कुल सर। अच्छा अब समझिए, किसी भी संख्या का अगर टोशेंट निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे, समझना। टोशेंट भी दो प्रकार से निकलते हैं, टोशेंट भी दो प्रकार की संख्याओं के निकलते हैं, कैसे, एक भाज्य संख्याओं का निकलता है, एक अभाज्य संख्याओं का निकलता है। अभाज्य संख्याओं का जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, इनका टोशेंट कैसे निकालते हैं, और भाज्य संख्याओं का टोशेंट यानी कि जिनको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, इनका टोशेंट कैसे निकालते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, ताकि आपको समस्याएं ना हो मेरे मित्र, ध्यान से समझना। जैसे अभी आपने देखा था कि 7 का जो टोशेंट था वो क्या आया था, 7 का टोशेंट 6 आया था। बोले सर डायरेक्ट कैसे निकलेगा, गौर करना मेरे दोस्त, कैसे निकलेगा। अगर संख्या आपके पास अभाज्य है, यानी कि भाजक कैसा है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर संख्या कैसी है, अभाज्य है, प्राइम है, तो उसका टोशेंट, जैसे 7 का टोशेंट निकालना था तो 7 लिखा गुणे 1 माइनस इसी 7 को उल्टा करके लिख दीजिए 1/7। अब देखो क्या बनेगा, 7 गुणे 6/7, 7 से 7 कटे आएगा, तो इसका टोशेंट क्या आएगा, 6। यानी आप एक चीज समझना, जैसे मैं आपसे यहां पे एक एग्जांपल के तहत और बोलूं, मैंने कहा 13 का टोशेंट, तो आप कहोगे 13 गुणे 1 माइनस 1/13, यही तो बोलोगे, तो 13 गुणे यहां पर आएगा 12/13, 13 से 13 कट गया, इसका टोशेंट आ गया 12। आप एक चीज ध्यान दे पा रहे होगे, जो भी अभाज्य संख्या है, जैसे यहां पर 13 का टोशेंट निकाला था, जो भी अभाज्य संख्या है उसका जो टोशेंट संख्या आ रही है वो उससे 1 कम आ रही। जैसे यहां पर हमने 7 का टोशेंट निकाला, 7 का टोशेंट क्या आया, 6, 1 कम। यहां 13 का टोशेंट निकाला, 1 कम आया, कितना आया, 12। ये बात समझ पाए, बोले हाँ सर। तो अभाज्य संख्या का आप ऐसे भी याद रख सकते हो, किसी भी अभाज्य संख्या का टोशेंट उससे हमेशा 1 कम में होता है, बोलो ठीक है क्या। अब जरा सुनिएगा, अभाज्य भाज्य संख्या का यानी कंपोजिट नंबर का टोशेंट कैसे निकालते हैं मेरे मित्र। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 12 का टोशेंट क्या होगा बताइए, तो अब ऐसा नहीं कि आप 12 को सीधे लिखिए 12 गुणे 1 माइनस 1/12, गलत हो जाएगा दोस्त। इस 12 को पहले आप अभाज्य संख्याओं में तोड़िए, ब्रेक करिए, तो इसको कैसे लिखोगे, 2 की घात 2 गुणे 3, 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, ठीक। पावर आपको ध्यान नहीं देने हैं, फिर से बोल रहा हूं, पावर आपको ध्यान नहीं देने हैं। अब देखो इसका मतलब, इस 2 को कैंसिल कर दो, 2 एक ही बार लेना है, इसका टोशेंट क्या आएगा, 12 जैसे लिखा था लिख दिया,
एक माइनस दो था ना, एक बटे दो पलट के गुणे, फिर एक माइनस तीन था ना, तो एक बटे तीन नीचे, ठीक, बारह गुणे, ये क्या मिलेगा एक बटे दो, ये क्या मिलेगा दो बटे तीन। देखिए तीन दूनी छः, छः दूनी क्या हो जाएगा बारह, तो दो दूनी क्या होगा चार, यानी बारह का टोशंट क्या होगा चार। मेरी बात समझ पाए कैसे निकाला? एक और सवाल से आपको समझाते हैं टोशंट कैसे निकालेंगे, किसका, वो भी अभाज्य संख्या होगा, किसका सॉरी भाज्य संख्या होगा। जैसे मैं बोल दूं कि पंद्रह का टोशंट चाहिए हमको, किसका टोशंट चाहिए पंद्रह, पंद्रह तो भाज्य संख्या है, तो पंद्रह को दो हिस्सों में ब्रेक करिए, दोनों अभाज्य संख्याओं में, तीन और पांच आपस में को प्राइम हो, आपस में सह अभाज्य हो चलेगा, ठीक, तीन और पांच। मैंने कहा पंद्रह गुणे एक माइनस एक बटे तीन, और यहां पर गुणे एक माइनस एक बटे पांच, राइट, बात समझ रहे हो? अब देखिएगा, ठीक, समझना बात को ध्यान से, तो यहां पर क्या लिखे, एक माइनस एक बटे पांच, एक माइनस एक बटे पांच, गौर करिएगा सर, पंद्रह एक माइनस एक बटे तीन का मतलब दो बटे तीन, और यहां पर चार बटे पांच, तो पांच कहीं पंद्रह से पंद्रह खत्म, चार दूनी आठ, तो पंद्रह का टोशन क्या आ गया आठ। तो ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका इस्तेमाल कैसे होना है, इसका यूज कैसे होना है, ये बात आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टोशन निकालना आसान है, ठीक, इसका इस्तेमाल रिमाइंडर थ्योरम में, शेषफल प्रमेय में आप किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। चलिए सवालों पर चलते हैं, इतना ही अगर आप सीख लेंगे ना तो आप समझिए कि सारे के सारे सवाल हल हो गए। देखिए जैसा पहला सवाल आपको दिख रहा है, क्या कहता है भाई, कहता है दो की घात सौ है और उसको किससे विभाजित करना है, तीन से। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो बेहद सरल होंगे, जिनको करने का तरीका आपको बेहद सरल समझना है। देखो जब इन दोनों के बीच का अंतर, अंश और हर के बीच का अंतर जो है ना, डिफरेंस जो है, इस चीज को सीख लीजिए, ये सब शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो नहीं आती हैं, जो आपको बताई नहीं जाती हैं ऑन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये सारी चीजें पेड में पढ़ाते हैं लोग, मैं आपको यहां फ्री में दे रहा हूं, इज्जत करिए इसकी, करेंगे ना। जब दोनों का, अंश और हर का अंतर एक होता है तब सवाल कैसे करते हैं, और जब अंतर एक से ज्यादा हो, बड़ा हो, तब सवाल कैसे करते हैं, कहां पे टोशन करेंगे इस्तेमाल, ध्यान से सुनना भाई। मैं इस दो को क्या लिख सकता हूं, तीन माइनस एक लिख सकता हूं, बोले हाँ सर लिख सकते हैं, दो ही आएगा, ऊपर मैंने सौ लिख दिया, बोले ठीक, अब बटे में तीन था, मैं क्या बोल रहा हूं, तीन से तीन को काटोगे पूरा कट जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा, यहां पर क्या रह जाएगा माइनस का एक, यानी माइनस वन की पावर आपके पास सौ आएगा। और मैंने आपको कल इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब माइनस वन की पावर सम हो तो वो क्या हो जाता है प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा प्लस वन, और यही आपका शेषफल हो जाएगा। देखिए सवाल सेकंड में हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए हाँ या ना, अगर नहीं आया तो फिर सवाल लेंगे, फिर समझाएंगे, आएगा जब तक, कैसे नहीं आएगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट देखो इस सवाल को, 25 की घात 25 है, समझना ध्यान से, 25 की पावर 25 है और इसको 26 से विभाजित करके आपको शेषफल बताने का है, क्या बताना है शेषफल। तो मित्र देखो फिर अंतर कितने का आया, एक का। जब अंश और हर का अंतर एक का हो तब सवाल को देखो नीचे की फॉर्म में बनाने का कोशिश करते हैं, ऊपर को नीचे की फॉर्म में, जैसे 25 है, अगर इसको 26 की फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 26 माइनस एक कर देंगे तो 25 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, क्या कर दें, 26 माइनस एक कर दें 25 आ जाएगा, घात कितनी लगी है 25, और नीचे डिवाइड कैसे करना था 26 से, 26 से 26 पूरा कट गया, कट गया, क्या बचा माइनस एक, तो माइनस एक की पावर आया 25, और माइनस वन की पावर जब कभी भी विषम होता है, ये आपको याद होना चाहिए, दोनों बातें लिख दी पिछली बार, माइनस वन की पावर जब विषम होता है तो ये माइनस वन ही आता है, तो यहां पर आएगा माइनस वन। अरे सर जी आपने बोला था नेगेटिव तो शेषफल हो ही नहीं सकता है, ऋणात्मक शेषफल आ ही नहीं सकता, बिल्कुल सही बोला था, बीपी लो करो आराम से, मैंने ये भी तो बोला था फिर उसको हम लोग भाजक से घटाकर शेषफल निकाल लेते हैं, तो भाजक से घटाएंगे शेषफल क्या आ जाएगा मेरे मित्र 25, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 67 की पावर 67 की पावर 67 दिया है, प्लस में भी 67 दिया, अच्छा इसको किससे डिवाइड करके शेष बताना था, 68 से डिवाइड करके शेष बताना था, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा भाई इस सवाल को समझना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 67 की घात 67 बटे 67 68 बटे 68, और यहां पे मैं लिख लेता हूं 67 अपॉन 68, सेम चीज ही लिख दी तोड़कर बस, और तो कुछ किया नहीं।
अब इस 67 को अगर मैं आपको दिखाऊं कि अंतर देखिए सर एक है, तो आप कहोगे याद आ गया सर आपने बताया था नीचे वाले के फॉर्म में तोड़ के लिखेंगे। तो 67 को हमने कैसा लिखा, 68 माइनस एक, ऊपर पावर 67 नीचे 67। ये 67 इससे छोटा है, डिवाइड होगा नहीं, एज इट इज बना रहने दीजिए 67 हो गया। अरे जैसे मैं आपसे 67 ऐसे है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप 8 से, आप 8 से 7 को विभाजित करिए तो क्या आप विभाजित कर लेंगे? बोले नहीं कर पाएंगे सर, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब शेषफल भी तो यही बचा रहेगा, अगर पॉजिटिव लेना शेषफल भी तो यही होगा, होगा कि नहीं होगा, यही काम तो यहाँ पर है, तो 67 बचा रहा। अब देखो यहाँ पर 68 है ना, 68 से 68 खत्म हो गया, माइनस 1 की पावर क्या है, विषम संख्या, तो ये आएगा माइनस 1, और प्लस में अगर यहाँ पर 67 था तो आपका जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, 66। तो सही आंसर होगा 66, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या दोस्त? ठीक है ना, नेक्स्ट आओ। चलिए अगला सवाल देखिए, अब थोड़ा समझना। यहां पर आप देखिए जैसे लिखा है 2 की घात 256 और नीचे इसको विभाजित करना था 17 से। अब आपकी नजर गई सर इन दोनों का अंतर तो एक नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा है अंतर, है कि नहीं? तो इसको आप किन तरीकों से कर सकते हैं यह समझना, यहां पर आप टोसेंट का इस्तेमाल कैसे करेंगे मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से समझना मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ। पहला मैं आपको बताऊंगा बेसिक मेथड, जिससे आप जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा टोसेंट मेथड कैसे लगाना है, दोनों ही चीजें लेकिन सीखना दोनों, ठीक है? और बेसिक अभी कुछ सवालों तक और बताऊंगा, फिर नहीं बताऊंगा, ठीक, दोनों सीख लेना। अब जरा समझना, अगर दोस्त मैं बेसिक की बात करता हूं, 2 की घात 256 और नीचे 17 है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा भाई इस 2 में कुछ ऐसा करो कि ये 17 के पास में आ जाए, तो आप क्या कहोगे, सर मैं इसको 2 की घात 4 लिख लूं और ऊपर क्या लिख लूंगा, 4 से विभाजित होने के बाद 4 छंग 24 और 4 चौक 16, ऐसे लिख सकते हैं ना? बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बटे में 17। 2 की घात 4 क्या हो जाता है सर, 16, 16 की घात ये हो गया 64 बटे में 17। ये पहला बेसिक तरीका बता रहा हूँ, इसमें टोसेट नहीं लगा, ध्यान से समझ लेना। अब 16 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 17 माइनस 1 पावर में 64 है बटे में 17 है। बोले हाँ सर, 17 से 17 खत्म हो गया, -1 की घात 64 क्या आया आपके पास यहाँ पे, -1 की घात 64 और -1 की घात 64 सम है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, +1। तो इसका शेषफल क्या आया, +1। बोलो यहाँ तक बात क्लियर? लेकिन अगर यही सवाल तुम टोसेंट से करोगे तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से देखो टोसेंट मेथड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सवाल में दिया था 2 की घात 256, मित्र बहुत प्यार से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देख लेना, और बहुत कीमती चीज है ये, जिसको लोग पैसे से खरीदते हैं, ठीक, मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूं इसलिए क्योंकि तुम्हारी जरूरत है इस वक्त तुमको एग्जाम के लिए, तो इसकी इज्जत करना मेरे दोस्त, बस ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अब देखो जरा आप इन दोनों संख्याओं को देखिए, 2 और 17, मैं पूछता हूं क्या 2 और 17 दोनों सह अभाज्य है? ये होना बहुत जरूरी है इन दोनों का, ये जो दो संख्याएं होंगी ना आंसर, इनका सह अभाज्य होना भी बहुत जरूरी है और इसका अभाज्य होना भी बहुत जरूरी है, तभी टोसेंट अप्लाई होगा। ये है सह अभाज्य, बोले हाँ सर सह अभाज्य है। अब बस अब काम खत्म हो गया, जहां आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, तो मैं ये पूछता हूँ भाई बताओ 17 का टोसेंट क्या है। मैंने पूछा भाई बताइए 17 का टोसेंट क्या है, तो आप कहोगे सर किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट उससे एक कम होता है, तो 17 का टोसेंट 16 होगा। और जो बच्चे निकालना चाहते हैं, मैंने पहले तरीका बताया, वैसे आप निकाल लीजिए किसी भी संख्या का, जैसे 17 का टोसेंट निकालना है तो 17 × 1 − 1/17, ऐसा करके आप निकाल भी सकते हो, 16 ही आएगा, ठीक, लेकिन याद कर लूंगा समय बच जाएगा। अब ये जो आया है टोसेंट, इसी को ऊपर घात में लिख दो, बस काम खत्म, पूरा काम खत्म, इसी को ऊपर घात में 16 से डिवाइड करिए 256 को, जो टोसेंट आया उससे पावर को डिवाइड कर दीजिए, तो 256 को अगर मैं 16 से विभाजित करूंगा तो आपको पता है 16 × 16 ही तो 256 होता है, तो 256 को 16 से डिवाइड करने पर 16 ही आया और नीचे था 17। क्लियर है? बोले हाँ सर। अब देखिए इसको आप लिखोगे 2 की घात 4 की पावर 4 बटे में 17, फिर से वही 16 हो गया, तो यहाँ पर आया -1 की पावर 4 यानी कि ये हो जाएगा +1। तो आप टोसेंट लगा के भी सवाल कर सकते हैं, ये तो छोटा सवाल था जिसमें टोसेंट ने अपना कमाल दिखाया, बहुत बड़े बड़े सवालों में भाई ये टोसेंट कमाल दिखाता है, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो भी बड़े बड़ा कमाल दिखा देते हैं लेकिन लोग क्या है ना उनके कमाल का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। जैसे कमाल क्या दिखाया गया,
अच्छे कमाल भी हैं बुरे कमाल भी हैं। 400 का सिलेंडर 1100 का हो गया, कमाल ही तो है। अच्छा क्या है, सड़कें सुधर रही हैं भाई, मंत्रालय सुधर रहे हैं, लोगों में डर बैठ गया कि अगर घूस लेंगे तो काम भाई गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन भाई एक तरफ देखिए तो कड़वा तेल 200 पार हो गया है, समझ रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, 5 की घात 62 को 13 से विभाजित करके हमको शेष बताना, बहुत ध्यान से सुनना, 5 की घात 62 को हमको 13 से विभाजित करके शेष बताना। दोनों तरीके बताते हैं, बेसिक भी बताते हैं टोसेंट भी बताते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना और समझना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए बेसिक मेथड क्या है, मैं इसको कैसे लिखता हूँ, मैंने कहा ये 5 की घात 2 लिख लेते हैं जो कि 25 बन जाएगा, 5 की घात 2 लिख के 25 बना लिया, इधर 31 कर देते हैं, बोले चलेगा, बोले हाँ सर, नीचे क्या था 13। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, 25 को 13 के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैंने कहा 26 - 1 ऊपर घात 31 है, नीचे बटे में 13 है, 13 × 26 पूरा पूरा खत्म हो गया, -1 की पावर 31 माइनस से आएगा, सर ऋणात्मक नहीं ऋणात्मक नहीं, तो 13 - 1 यानी कि 12 से शेषफल आया बेसिक से। अब टोशेंट का कमाल देखिए, टोशेंट का कमाल देख लीजिए, क्या था सवाल, 5 की घात 62 देखिए 5 की पावर 62 और बटे में क्या है भाई 13, तो मैंने कहा कि ये दोनों सह अभाज्य हैं, बोले हैं सर सह अभाज्य है, 13 अभाज्य है 13 भी अभाज्य है, तो मैंने कहा 13 का टोशेंट अगर मैं निकालूंगा 13 का टोशेंट क्या आएगा, बोले सर 12 आएगा। अब 12 से 62 को डिवाइड करिए, 12 × 5 = 60 क्या मिला दोस्त 2, तो यहां पर सीधे सीधे जो शेषफल आया उसी को लिख दीजिए, 5 की घात 2 बटे में क्या था 13, बताइए 5 की घात 2 क्या होता है 25, 25 को आप 13 से डिवाइड करेंगे ये कठिन होगा क्या आपके लिए शेषफल, बोले 12 आ जाएगा सर। गलती की गुंजाइश कम, आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी उससे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आइए अगले सवाल पर आते हैं, देखिए 2 की घात 31 को किससे डिवाइड करने का है 5 से, आओ जरा देखो 2 की पावर 31 है, इसको 5 से विभाजित करके क्या बताने का है आंसर, मैंने कहा भाई बता दो सीधे सीधे टोसेंट से, मैंने कहा टोसेंट बता दो 5 का, तो आप कहोगे सर 4 आएगा, 2 और 5 दोनों से अभाज्य थी, 5 अभाज्य भी थी, 2 और 5 दोनों से अभाज्य 5 अभाज्य, इसलिए टोसेंट लगेगा, 5 का टोसेंट 4, एक कम, 4 से मैं 31 को डिवाइड करता हूँ, 4 से 4 = 28 क्या मिला दोस्त 3, तो जो मिला उसी की पावर लगा दी, 2 की घात 3 को 5 से डिवाइड करना, यानी 8 को 5 से विभाजित करेंगे शेषफल क्या मिलेगा 3। देखिए सेकंडों में आंसर मिलेंगे आपको, बस चीज क्या है ना आप एक बार पूरा वीडियो देखकर समझो तब देखो आपको मजा ही मजा मिलेगा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, देखिए सवाल कह रहा है 9 की घात कितना है, 111 कि 911 111, आइए 9 की घात 111 दिखा हुआ है और इसको हमें 11 से विभाजित करके शेष बताना, बहुत सिंपल सी बात है 11 से विभाजित करना। आप देखिए 9 और 11 दोनों से अभाज्य है, बिल्कुल है सर 11 अभाज्य है सर, 11 का टोशेंट क्या होता है सर 10 होता है। अब अगला काम क्या करना होता है, मैंने क्या बताया था इसी 10 से आप पावर को डिवाइड कर दीजिए, तो अगर मैं 111 को 10 से विभाजित करूंगा तो शेषफल 1 आना चाहिए ना, 11 110, देखिए शेषफल 1 आया, ये बिना लिखे ही आपको करना है, क्या आया शेषफल 1, जो शेष आया वही पावर में चढ़ा दो 9 की घात 1, जैसे 9 की घात 111 थी शेष 1 आया तो 9 की पावर 1 कर दिए सीधे सीधे बटे में 11। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं 9 की घात 1 को 11 से डिवाइड करूंगा तो शेष क्या बचेगा, बोले सर वो छोटा है इसलिए शेष यही बचा रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक क्या बना 9। नेक्स्ट आओ, चीज सीखना बहुत जरूरी है उसके बाद स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है, ये दोनों बातें पेपर में सिलेक्शन के लिए बेहद जरूरी है। आइए अगला सवाल देखिए, 3 की पावर 5 5 5 किसको डिवाइड करना था 7 से, क्या ये दोनों सह अभाज्य है, हाँ सर सह अभाज्य क्या होता है HCF यानी कि मासापा 1 होना चाहिए, है सर 7 अभाज्य है, 7 का टोशन क्या होता है सर 6 होता है, 6 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, देखना कितनी बार 6 × 8 = 48 6 × 4 = 6 7 6 × 8 = 48 6 × 9 = 54 एक बचेगा 6 × 2 = 12 यानी कि 3 आ जाएगा, शेषफल कितना आया 3। अब 3 की घात 3 हो गया बटे में 7 है, बताओ 3 की घात 3 कितना होता है दोस्त 27 बटे में 7, 7 × 21 क्या बचा 6, तो शेषफल क्या आ गया इसका 6, रिमाइंडर क्या आ गया 6, क्या आ गया 6, तो ऑप्शन नंबर, मुस्कुराइए आप हमसे पढ़ रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, 3 की घात 2140 बटे में कितना है 17, 3 और 17 दोनों से अभाज्य है 17 अभाज्य, तो 17 का टोशन ठीक प्राइम नंबर है तो ठीक एक कम,
अभी 16 से घात को विभाजित करिए, 16 से अगर मैं 2140 को विभाजित करता हूं तो अपने पास शेष क्या आएगा, देखना 16 एकम 16, 5 54, 16 तेई में 48, 6 60, 16 तेई 48 और 12, क्या आया शेषफल 12। ठीक, तो इसी 12 को अब हमें पावर दे देनी है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 की घात 12 बटे में 17। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी भी तो कठिन है। ना बेटा ना, कठिन नहीं है, अब सरल हो गया। तुम्हारी नजर होनी चाहिए, पारखी नजर और निर्मा सुपर दोनों को मानना पड़ेगा। इस 3 की घात 4 को आप 3 × 3 की पावर 4 × 3 की पावर 4 × 3 की पावर 4 लिख सकते हो। हाँ सर, बटे में 17। 3 की पावर 4 क्या होता है बेटा, 81, यानी 81 × 81 × 81 बटे 17। सवाल याद आया, 39 × 39 × 39 बटे 8, नेगेटिव रिमाइंडर वाला याद आया, 17 से डिवाइड करिए, 17 × 85 − 4। ठीक, −4 −4, ये बात समझ में आई, 17 × 85 − 4। −4 × −4 × −4 कितना मिला, 4 × 16 × 64, वो भी माइनस का, बटे में 17। बोले अब सर अब क्या, सवाल खत्म हो गया। कैसे हो गया सर? देखिए सर कैसे सवाल खत्म होता है, यही चीज तो है कि आपको वहां तक जाना नहीं जाना है। −4 × −4 × −4, तो मैं कह रहा हूं कि ये दो जो −4 है ना, मिलकर क्या बना देंगे, 16 और −4 बना रहे हैं, तो क्या दिक्कत है बताइए, नीचे आइए सर। 17 से 16 को डिवाइड करिए, −1, यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा, −1। अब देखो जरा, −1 × −4 + 4, शेषफल क्या आया, +4। बोलो ठीक है क्या? और ये जो सवाल है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आओ, 2 की घात 5 5 5 5 बटे 13, 13 × 2 = 12, 12 से किसको डिवाइड करना है, ऊपर वाली घात को, यानी कि 55 को, 12 × 48, 7 × 75 = 75, 12 × 72 = 73, 3 × 72 = 72, 12 × 72 = 72, 3 × 35 = 35, 12 × 2 = 24, क्या शेष बचा, 11। बोलो ठीक है क्या, ठीक है क्या, 11। तो यहाँ पर आ गया, अब इसको हमने लिख दिया 2 की घात 11 बटे में 13। बोलो ठीक, 11 बटे में 13। अब देखना कैसे करना है, सुनना, मैं इसको लिख रहा हूँ 2 की घात 4 × 2 की घात 4 × 2 की घात 3, 4 × 4 = 8 × 3 = 11 बटे 13। 2 की घात 4 क्या होता है, 16, 16 को 13 से विभाजित करोगे 3 बचेगा, हाँ, 16 को 13 से विभाजित करोगे 3 बचेगा, हाँ, 2 की घात 3 क्या होता है, 8, 8 को 13 से विभाजित करोगे 8 बचेगा, हाँ, बटे 13। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, 3 × 9 = 9, 9 × 8 = 72, 72 × 13, 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72, 72 × 13, 13 × 5 = 65, बचा कितना 72 में, सर 7, तो शेषफल 7, शेषफल 7। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया, सारे के सारे, भाई इसमें लिखा नहीं क्या यार, ये कौन से एग्जाम में आए थे, ये सारे के सारे रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, सारे सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन रेलवे, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, जेई हो, एएलपी हो, आरआरबी मेडिकल का हो, पैरामेडिकल का, या फिर आरपीएफएसआई का हो, लेकिन आए हुए सारे क्वेश्चन। मतलब आप ये समझ लो कि रेलवे की परीक्षा हुई, और रेलवे की परीक्षा में अगर एकाध शिफ्ट में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, तो इसका मतलब आगे की हर शिफ्ट में, हर शिफ्ट में, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आना कंफर्म है दोस्त। ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा आगे भी, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।